लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। वेलकम टू माय चैनल वेट मैजिक होम। तो जनाब, बहुत ही सिंपल सी बर्गर की रेसिपी है। जैसे मैं खुद स्लिम स्मार्ट हूँ, मैं आपके लिए वही डाइट लेकर आती हूँ ताकि आप जितना मर्जी खाएं, लेकिन आप मेरी तरह स्लिम स्मार्ट रहें, कोई टेंशन नहीं। और जनाब, बर्गर बना रही हूँ सिंपल तरीके से घर पे। और ये ग्रिल पैन में मैंने बर्गर जो है उनको ऑयल लगा कर मैंने रख दिया है, ऑयल नहीं लगाया, सॉरी, मक्खन लगाया मैंने इस पर। तो मक्खन मैं आपको भी लगा रही हूँ कि प्लीज़ आप भी मेरी तरह स्लिम स्मार्ट हो जाएंगे। और उसके लिए आपको मेरा चैनल जो है उसको सब्सक्राइब करना होगा और मेरी वीडियोज़ को जो है वॉच करना होगा। तो जनाब, ब्यूटीफुल पीपल्स के लिए ब्यूटीफुल रेसिपीज़ होती हैं। तो जनाब, ये देख सकते हैं मैंने जस्ट मेयोनीज़ इसमें यूज़ किया है का। तो इसको मैं स्प्रेड कर दूँगी। हम सब जानते हैं कि जब हम ये काम करते हैं तो हमें इसको स्प्रेड ही करना होता है। तो जितनी क्वांटिटी आपको चाहिए, बहुत हैवी अगर चीज़ खाएंगे ना तो वो बहुत हैवी जो है वो आपके लिए नुकसानदेह होती है। इसलिए मेरी कोशिश होती है बहुत लाइट तरीके से मैं आपके लिए रेसिपीज लेकर आया करूँ, जो ना मेदे पे भारी हो, ना दिमाग पे और ना सोच पे, ना दिल पे। तो क्योंकि जब ज़्यादा ओवर हो जाते हैं तब हमें वॉक की भी ज़रूरत पड़ती है, हमें इसको डाइजेस्ट करने के लिए कोल्ड ड्रिंक की ज़रूरत पड़ती है। और ये इतने लाइट वेट थे कि इसके लिए मुझे कोल्ड ड्रिंक की ज़रूरत नहीं पेश आई। जस्ट सिंपली बर्गर के बाद चाय जो है उसको इस्तेमाल किया। बस वो एक नशा है हमारा जो टूटता है कि हमें जनाब कोल्ड ड्रिंक है जो वो इसके साथ मस्त लेनी चाहिए। तो ये देखिए जी, हमारे मज़ेदार से जो बर्गर है वो तैयार है। मैंने मेयोनीज़ लगाई थी इसमें, चिकन टिक्का पोटी है और ऑलिव है, क्यूकम्बर है, कैप्सिकम है मेरे पास, टमाटर थे मेरे पास, बाकी टू टेस्ट आपको जो भी चीज़ पसंद है आप इसमें ऐड कर सकते हैं। आप इसमें क्या कहते हैं चीज़ जो है उसको भी लगाकर इसको बना सकते हैं। तो जनाब, हमारी वीडियो को वॉच कीजिएगा, हमें फीडबैक दीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।